हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू YT स्टडी। आज की वीडियो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि इसी एक वीडियो में हम लोग पूरे मई महीने की सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो इसमें मैंने 120 प्लस क्वेश्चंस लिए हैं और ये हर एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है, और अगर आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लेते हैं तो मई महीने के करंट अफेयर्स को लेकर आप निश्चिंत हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको हर एक क्वेश्चन का राइट आंसर पहले खुद से सोचना है। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन सा बना है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि उत्तर प्रदेश। आप जानते हैं जो मनरेगा है, यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसके तहत जो ग्रामीण इलाकों में गरीब लोग रहते हैं उनको 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। साल भर में 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। तो इस मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार दिया गया है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में मनरेगा के तहत लगभग 57 लाख से भी ज़्यादा लोगों को इसके तहत जॉब दिया गया है। वैसे भी आप जानते होंगे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है पूरे भारत में, यहाँ पर लगभग 20 करोड़ लोग रहते हैं। तो उससे भी आप गेस कर सकते हैं कि यहाँ पर मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया गया है। पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021, इसकी मेज़बानी कौन सा देश करेगा? यानी कि नेक्स्ट ईयर जो पुरुषों की वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप होगी, इसको कौन सा कंट्री होस्ट करेगा? पहले इसकी मेज़बानी करने वाला था भारत, लेकिन भारत से अब इसको छीनकर सर्बिया को दे दिया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा सर्बिया में? सर्बिया के बेलग्रेड शहर में। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार शहर का नाम भी पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो आप जानते हैं यूनाइटेड नेशंस में अभी तक भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे सैयद अकबरुद्दीन, लेकिन अब इनकी जगह पर अपॉइंट किया गया है TS तिरुमूर्ति को। यह क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद रखना है। यूनाइटेड नेशंस में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि बन गए हैं TS तिरुमूर्ति। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि जो WHO है, इसके कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो WHO का जो कार्यकारी बोर्ड है, इसमें टोटल सदस्य हैं और इसका अध्यक्ष बनाया गया है भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी को। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। WHO का हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए एग्जिट ऐप लॉन्च किया है? तो इस राज्य में जो भी अन्य राज्यों के प्रवासी मजदूर फंस गए हैं उनको बाहर निकालने में मदद करने के लिए एग्जिट ऐप लॉन्च किया है पश्चिम बंगाल की सरकार ने। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना, तो जैसा कि आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं, इसमें जो शहरी जनता है उनको रोजगार दिया जाएगा। तो बेसिकली इसमें साल भर में 120 दिन का रोजगार दिया जाएगा शहरी जनता को। तो इसको शुरू किया हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बॉम्बे हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो बॉम्बे हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं दीपंकर दत्ता। किसी भी हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उनको शपथ दिलाता है वहाँ का राज्यपाल, जो संबंधित राज्य का राज्यपाल होता है वो उनको शपथ दिलाता है। तो इनको महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, उन्होंने इनको शपथ दिलाई है। दीपंकर दत्ता इनका नाम है, इनको आपको याद रखना है। हाल ही में किस बैंक ने एक सॉन्ग रिलीज़ किया है जिसका टाइटल है हम हार नहीं मानेंगे? तो बेसिकली हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनको सम्मानित करने के लिए, उनके प्रति आभार प्रकट करने के लिए रिलीज़ किया गया है। तो इसको रिलीज़ किया है HDFC बैंक ने। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये जो गाना है इसके बोल लिखे हैं प्रसून जोशी ने, भारत के मशहूर गीतकार प्रसून जोशी, और इसमें म्यूजिक दिया है AR रहमान ने। इसके अलावा हाल ही में आत्मनिर्भर भारत से प्रेरित होकर एक गाना रिलीज़ किया गया है जिसका टाइटल है जैतु जैतु भारतम वसुधैव कुटुंबकम, और इसमें अगर आप देखेंगे, इसके लिरिक्स में अगर आप देखेंगे तो 16 भारतीय भाषाओं और बोलियों को शामिल किया गया है, और इसको भारत के 211 कलाकारों ने मिलकर गाया है। इसमें भी बोल लिखे हैं प्रसून जोशी ने, लेकिन इसमें म्यूजिक दिया है शंकर महादेवन ने। तो इतना आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है कि भारत का जो भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद है, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस, ये आप जानते होंगे विदेश मंत्रालय के अधीन काम करता है,
और इसका काम यह है कि भारत और दूसरे देशों के बीच कल्चर को प्रमोट करना, राइट। तो इसने कोरोना वायरस के खिलाफ एकजुटता व्यक्त करने के लिए कौन सा गाना रिलीज़ किया है? तो इस गाने का नाम है यूनाइटेड वी फाइट, यानी कि अगर हम एक साथ होंगे तो हम ज़रूर से लड़ पाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय बजट पार्टनरशिप द्वारा जारी ओपन बजट सर्वेक्षण में भारत कौन से स्थान पर है? ये जो ओपन बजट सर्वेक्षण किया गया है, यह टोटल 117 देशों में किया गया और इसमें कंट्रीज़ की बजट पारदर्शिता और जवाबदेही को देखा गया है, यानी कि जो भी वहाँ पर बजट पेश होता है उसकी कितनी जवाबदेही है, उसमें कितनी ट्रांसपेरेंसी है, इसको इसमें देखा जाता है। तो इन 117 देशों में भारत की रैंक है 53। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और अगर आपसे पूछें कि इसमें नंबर वन कंट्री कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। हाल ही में फेसबुक ने वीडियो चैट के लिए कौन सा फीचर लॉन्च किया है? आप जानते हैं फेसबुक का एक चैटिंग के लिए एक अलग से ऐप है जिसको बोलते हैं मैसेंजर। तो इसी पर एक नया फीचर लॉन्च किया गया है वीडियो चैट के लिए और इसका नाम रखा गया है मैसेंजर रूम्स। तो ये कोई अलग से एप्लीकेशन नहीं है, ये उसी में एक फीचर ऐड किया गया है जो मैसेंजर है, उसी में एक नया फीचर ऐड किया गया है जिसके जरिए आप वीडियो चैट कर सकते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने कैचअप नाम का एक कॉलिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया है? इसका नाम है कैचअप। तो इसके जरिए एक साथ 8 लोग ग्रुप कॉलिंग में ऐड हो सकते हैं। तो ये एक कॉलिंग एप्लीकेशन है, इसको भी लॉन्च किया है फेसबुक ने। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और आपको पता होगा कि फेसबुक ने टिकटॉक के जैसा ही एक एप्लीकेशन बनाया है, शॉर्ट वीडियो क्रिएटिंग ऐप बनाया है, इसका नाम है कोलैब। तो ये भी आपको याद रखना है। इसमें से कौन से यूरोपीय देश ने लेबनानी समूह हिजबुल्ला को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है और अब इसको वहाँ पर बैन भी कर दिया गया है? देखिए, ये जो हिजबुल्ला है ये एक सिया इस्लामवादी राजनीतिक पार्टी है जो कि लेबनान में है। तो अभी इसको जर्मनी ने आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है और यहाँ पर इसको बैन भी कर दिया गया है। इसके बाद ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें आपको ये बताना है कि हाल ही में किस राज्य के काले चावल को GI टैग दिया गया है और इस काले चावल को इस राज्य में बोला जाता है चक हाओ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि मणिपुर। तो मणिपुर के काले चावल को हाल ही में GI टैग दिया गया है। और ऐसे ही आपको पता होगा पिछले साल असम के बोकासोल चावल को GI टैग दिया गया था जिसको बिना पकाए ही खाया जा सकता है। तो असम का बोकासोल चावल और मणिपुर का चक हाओ जो काला चावल है, इनको GI टैग दिया गया है। इन सब के अलावा मई महीने की अगर हम बात करें तो इसमें और भी कई सारी चीज़ों को GI टैग दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कोविल पट्टी कदलाई मिठाई, तो ये तमिलनाडु में खाई जाती है, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। इसको बनाने के लिए गुड़ और मूँगफली का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसको भी हाल ही में GI टैग दिया गया है। और गोरखपुर जो उत्तर प्रदेश में है, यहाँ का टेराकोटा काफ़ी फेमस है, यहाँ पर आप इसको देख भी सकते हैं। यहाँ पर कई तरह के टेराकोटा बनाए जाते हैं, तो इसको भी अब GI टैग दिया जा चुका है। और जम्मू कश्मीर केसर के लिए जाना जाता है, तो इसके केसर को भी हाल ही में GI टैग दिया गया है। अब ये क्वेश्चन इसी कश्मीरी केसर से रिलेटेड है, यहाँ पर आपको बताना है हाल ही में कश्मीरी केसर को GI टैग दिया गया है, इनमें से कौन सा केसर का एक प्रकार नहीं है? तो केसर बेसिकली 3 तरह का होता है, लक्सा केसर, मोगरा केसर और गुच्ची केसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि जवाहर केसर जैसा कोई टाइप नहीं होता है। हाल ही में किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने स्वास्थ्य कर्मियों के लिए एच कार्ड नाम का रोबोट विकसित किया है? एच कार्ड का फुल फॉर्म भी है, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना है कि यह जो रोबोट विकसित किया गया है, इससे जो हमारे कोरोना वायरस के मरीज हैं उन तक भोजन, दवाइयाँ और दूसरे जो आवश्यक चीज़ें हैं उनको इस रोबोट के जरिए पहुँचाया जा सकता है। तो इसको बनाया गया है भारत के जो CSIR है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो इसकी देश में कई सारी लैब्स हैं, उनमें से एक लैब दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है जिसका नाम है CMERI, यानी कि सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, तो इसी लैब में इस रोबोट को बनाया गया है। एच कार्ड का फुल फॉर्म है हॉस्पिटल केयर असिस्टिव रोबोटिक डिवाइस। हालांकि आपसे फुल फॉर्म नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको ये जरूर याद रखना है कि इसको बनाया है CSIR के CMERI लैब ने। विश्व अस्थमा दिवस, जो कि आप जानते हैं इस साल 5 मई को मनाया गया है, ये बेसिकली हर साल मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। तो इस बार मई महीने का पहला मंगलवार था 5 मई को, इसीलिए विश्व अस्थमा दिवस 2020 5 मई को मनाया गया है। और इसकी इस बार थीम है एनएफ अस्थमा डेथ्स।
सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब यहाँ पर आपको मेरी बात ध्यान से सुननी है। अभी मैंने आपको बताया कि यह दिवस जो है ये हर साल मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है और इस बार यह था 5 मई को। तो इसको जो ऑर्गेनाइज करती है संस्था, इसका नाम है ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा। तो इसने ये डिसाइड किया है कि अब से हर साल ये जो विश्व अस्थमा दिवस है ये एक ही डे मनाया जाएगा, 5 मई को। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अब से हर साल ये 5 मई को मनाया जाएगा। हाल ही में कोरोना वायरस पर नैम वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। आपको बताना है कि इसमें भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया। जो नैम है इसको बोलते हैं नॉन अलाइंड मूवमेंट, यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो इसमें जो भी कंट्रीज हैं, इसमें भारत भी है, तो इनका हाल ही में एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन हुआ था कोरोना वायरस पर। तो इसमें पार्टिसिपेट किया है भारत से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। जम्मू और कश्मीर बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? जम्मू कश्मीर बैंक के नए MD बने हैं जुबैर इकबाल। इनका पूरा नाम है जुबैर इकबाल वाणी। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नाबार्ड के अभी तक अध्यक्ष थे हर्ष कुमार भानवाला, लेकिन अभी बन गए हैं गोविंदा राजुलु चिंटला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाबार्ड का हेडक्वार्टर है मुंबई में और ये बना था 1982 में। नीति आयोग ने इनमें से किस संस्था के सहयोग से सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान शुरू किया है? ये जो अभियान है ये बेसिकली इस चुनौती भरे समय में हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया है। तो इसको नीति आयोग ने पीरामल फाउंडेशन के साथ में मिलकर शुरू किया है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO। संघाई सहयोग संगठन के जो विदेश मंत्री हैं उनकी आभासी बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता कौन से देश ने की है? एक चीज़ तो यहाँ पर क्लियर है कि इसमें भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया है भारत के विदेश मंत्री SJ ने। तो इसकी इस बार अध्यक्षता की है रूस ने। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऐसे ही आपको पता होगा इस साल G20 की अध्यक्षता मिली है सऊदी अरब को, G7 की अध्यक्षता मिली है अमेरिका को और आसियान की अध्यक्षता मिली है वियतनाम को। तो ये सभी आपको याद रखना है। स्कूली छात्रों को मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? आप जानते हैं स्कूली छात्रों को दोपहर के समय मिड डे मील प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन क्योंकि लॉकडाउन के चलते सारे स्कूल्स बंद हैं तो ऐसे में मध्य प्रदेश की सरकार ने ये डिसाइड करा है कि उनके घरों पर मिड डे मील का राशन उपलब्ध कराया जाएगा। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके अलावा मध्य प्रदेश में हाल ही में कई सारी योजनाएं भी शुरू हुई हैं, जैसे कि आप जानते हैं FIR आपके द्वार योजना, जीवन शक्ति योजना, जीवन अमृत योजना और यहाँ पर रोको टोको अभियान भी शुरू किया गया है, मुख्यमंत्री COVID-19 योद्धा कल्याण योजना और भी कई सारी चीज़ें यहाँ पर शुरू हुई हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि मध्य प्रदेश की सरकार ने श्रमिकों के लिए हाल ही में क्या क्या इनिशिएटिव शुरू किए हैं। तो एक चीज़ तो आप ये जानिए कि यहाँ पर प्रवासी मजदूरों के लिए प्रवासी श्रमिक आयोग का गठन किया गया है। इसके अलावा जिन लोगों के पास जॉब कार्ड नहीं है उनका जॉब कार्ड बनाया जाएगा और उसके बाद उनकी योग्यता के हिसाब से जॉब दिया जाएगा। इसके लिए श्रम सिद्धि अभियान शुरू किया गया है, श्रम सिद्धि अभियान मध्य प्रदेश। इसके अलावा यहाँ पर चरण पादुका पहल शुरू की गई है, जो आप जानते हैं प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों से मध्य प्रदेश के होते हुए दूसरे राज्यों में जा रहे हैं उनको इस योजना के तहत स्लीपर्स और शूज़ प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि उनके पेन को कुछ हद तक कम किया जा सके। तो यह है चरण पादुका पहल। इसके अलावा यहाँ पर एक और योजना शुरू हुई है जिसका नाम है रोजगार सेतु योजना। तो ऐसे लोग जो कि दूसरे राज्यों में काम कर रहे थे लेकिन लॉकडाउन के चलते वो अपने घरों में वापस आ गए हैं, तो क्योंकि वो कहीं ना कहीं काम कर रहे थे तो वो स्किल्ड हैं, तो ऐसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू की गई है। तो ये जो योजना है ये एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स के बीच में एक ब्रिज का काम करेगी, इसीलिए इसका नाम है रोजगार सेतु योजना। सेतु का मतलब होता है ब्रिज। हाल ही में रूस ने द्वितीय विश्व युद्ध मेडल से किसको सम्मानित किया है? तो हाल ही में रशिया ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर मेडल दिया है उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान रूस के जो सैनिक उत्तर कोरिया में मारे गए थे उनकी स्मृतियां आज भी उत्तर कोरिया में संरक्षित रखी गई हैं और इसी के लिए यहाँ के जो तानाशाह हैं किम जोंग उन, इनको सेकेंड वर्ल्ड वॉर मेडल से सम्मानित किया गया है।
केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान यानी कि सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन्होंने हाल ही में किसानों के लिए कौन सी ऐप लॉन्च करी है? तो बेसिकली किसानों के जो उत्पाद हैं उनको दूरदराज की मंडियों में पहुंचाने में हेल्प करने के लिए ये एप्लीकेशन लॉन्च की गई है। इसका नाम है किसान सभा। तो किसान सभा ऐप को लॉन्च किया है सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। कोरोना संकट के कारण इनमें से कौन से देश में छोटे व्यापारियों के लिए बाउंस बैक लोन योजना शुरू की गई है? बाउंस बैक लोन योजना जो है ये स्मॉल बिजनेसेस को हेल्प करने के लिए शुरू की गई है ब्रिटेन में। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और ब्रिटेन में अभी अभी भारत की नई उच्चायुक्त बनी है, इनका नाम है गायत्री आई कुमार। गायत्री आई कुमार यहाँ की नई उच्चायुक्त बनी है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस क्वेश्चन में आपको यह बताना है कि हाल ही में गुजरात सरकार ने ये जो योजना शुरू करी है आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना, इसके अंतर्गत छोटे व्यापारियों को कितने रुपए का गारंटी मुक्त ऋण दिया जाएगा, यानी कि इसके लिए कोई भी गारंटी नहीं देनी होगी। तो आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना के तहत जो छोटे व्यापारी हैं वो 2% ब्याज की दर पर 1,00,000 रुपये तक का लोन ले सकते हैं। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1,00,000 रुपये। इनमें से कौन से देश ने अपनी मुद्रा को रियाल से बदलकर तोमान कर लिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि ईरान। एक्चुअल में क्या है, आप जानते हैं अमेरिका ने ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हुए हैं, तो ऐसे में यहाँ की जो करेंसी है रियाल, इसके मूल्य में काफ़ी गिरावट आई है। इसी के चलते ईरान के संसद में एक बिल पारित किया गया और यहाँ की जो करेंसी है इसमें 4 ज़ीरोज़ की कटौती की गई है। इसका मतलब यह है कि अब जो नई करेंसी है जिसका नाम तोमान रखा गया है, 1 तोमान बराबर होगा 10,000 रियाल के। तो 4 ज़ीरोज़ कम करने का मतलब है कि अब 1 तोमान 10,000 रियाल के बराबर होगा। ईरान के यहाँ के राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी और यहाँ की राजधानी है तेहरान। वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के नए सचिव कौन बने हैं? तो भारत के नए आर्थिक मामलों के सचिव बन गए हैं तरुण बजाज। इनसे पहले थे अतानु चक्रवर्ती, लेकिन अभी हैं तरुण बजाज। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, भारतीय नौसेना ने विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? तो बेसिकली इस ऑपरेशन के तहत हिंद महासागर में जो भी कंट्रीज हैं उनमें भारत के नागरिक जो फंस गए हैं उनको वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु अभियान शुरू किया गया था। तो इनको समुद्री रास्ते से हमारे 2 जहाज़ गए थे जिनके तहत इनको लाया गया है। इसका नाम है INS जलास्व और INS मगर। तो इन दोनों जहाज़ों को भेजा गया था ऑपरेशन समुद्र सेतु के अंतर्गत। और इसके अलावा आप ये भी जानते होंगे कि हवाई मार्ग से विदेशी नागरिकों को वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन शुरू किया गया था। मिशन सागर पहल के एक हिस्से के रूप में इनमें से कौन से जहाज को खाद्य पदार्थों के साथ दक्षिणी हिंद महासागर के देशों में भेजा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि INS केसरी। बेसिकली जो दक्षिणी हिंद महासागर के 5 कंट्रीज हैं मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस, तो ये जो 5 कंट्रीज हैं इन्होंने अपने कंट्रीज में COVID-19 से निपटने के लिए भारत सरकार से मदद के लिए अनुरोध किया था। तो उसी के बाद भारतीय नौसेना का ये जहाज भेजा गया था जिसमें COVID-19 से रिलेटेड दवाएं और हमारी मेडिकल टीम भी गई थी। तो इस जहाज का नाम आपको याद रखना है INS केसरी। 8 मई 2020 से इनमें से किस राज्य की सरकार ने पान मसाला के 11 ब्रांड्स पर 1 साल के लिए बैन लगा दिया है? बेसिकली यहाँ पर टेस्ट किया गया, यहाँ पर जो पान मसाला बेचे जाते हैं तो इनमें 11 ब्रांड्स ऐसे मिले जिनमें खतरनाक मैग्नीशियम कार्बोनेट रसायन पाया गया। तो इसीलिए यहाँ पर 11 ब्रांड्स को बैन कर दिया गया है 1 साल के लिए। तो अब 1 साल के लिए यहाँ पर ना तो इनका निर्माण होगा, न ही इनकी बिक्री होगी और ना ही इनको स्टोर किया जाएगा। तो ये किया है झारखंड की सरकार ने। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, इनकी पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा। इसके बाद ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2020 में श्यामला जी भावे का निधन हो गया, आपको बताना है कि भारत की एक प्रसिद्ध क्या थी? तो यहाँ पर पिक्चर में ही देखकर आप समझ गए होंगे ये भारत की एक शास्त्रीय गायिका थी। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत दोनों में ही पारंगत थी, ये भी आपको याद रखना है। और इसके अलावा आपको याद होगा कुछ महीने पहले की बात है एक और हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका की डेथ हुई थी जिनका नाम है शांति हीरानंद चावला। शांति हीरानंद चावला, तो
तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है। इन सब के अलावा मई 2020 में ही भारत के दो एक्टर्स की भी डेथ हुई है। साई गुंडरवार, जिनको आपने पीके मूवी में टिकट बेचते हुए देखा होगा, और मोहित बघेल, ये भी एक एक्टर थे, इनकी भी डेथ हो गई है। और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का भी निधन हो गया है। आप जानते होंगे छत्तीसगढ़ ये साल 2000 में बना था, मध्य प्रदेश से अलग करके इसको बनाया गया था। तो जब ये मध्य प्रदेश से अलग होकर नया राज्य बना था, तो उसी समय यहाँ के पहले मुख्यमंत्री बने थे अजीत जोगी, जो कि 2000 से 2003 तक थे, तो इनकी हाल ही में डेथ हो गई है। और छत्तीसगढ़ के अभी के समय मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इनमें से कौन से साल में पूरी दुनिया को चेचक फ्री डिक्लेयर किया गया था, यानी कि इस साल तक पूरी दुनिया से स्मॉल पॉक्स खत्म हो चुका था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 1980। तो आज से 40 साल पहले ही पूरी दुनिया से चेचक खत्म हो चुका था, क्योंकि चेचक का टीका डिस्कवर कर लिया गया था। चेचक का टीका डिस्कवर किया था एडवर्ड जेनर ने, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये आपको याद रखना है। तो 1980 में पूरी दुनिया को स्मॉल पॉक्स फ्री डिक्लेयर कर दिया गया था। अब क्योंकि 2020 चल रहा है, तो इसको 40 साल बीत चुके हैं। इसी पल को यादगार बनाने के लिए WHO और यूनाइटेड नेशंस, इनकी जो डाक एजेंसी है, इसने एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। इसी कारण ये हाल ही में न्यूज़ में था। हमारा जो आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय है, जिसके मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, तो इन्होंने हाल ही में भारत के कचरा मुक्त शहरों की सूची जारी की है। इसमें शहरों को अलग अलग रेटिंग दी गई है। तो आपको ये बताना है कि भारत के ऐसे कितने शहर हैं जिनको 5-स्टार रेटिंग दी गई है। तो 5-स्टार रेटिंग मिली है भारत के 6 शहरों को, सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो यहाँ पर जिन 6 शहरों की बात हो रही है, यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं। एक तो है छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर, जहाँ पर आप जानते हैं भारत का पहला गार्बेज कैफे खोला गया है। इसके अलावा इसमें गुजरात के 2 शहर हैं, एक तो है राजकोट, दूसरा है सूरत। कर्नाटक का मैसूर, मध्य प्रदेश का इंदौर, जो कि न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे भारत का ही सबसे साफ शहर है। इसके अलावा महाराष्ट्र का नवी मुंबई। तो ये वो 6 शहर हैं जिनको कचरा मुक्त शहरों की सूची में 5-स्टार रेटिंग से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये मई महीने में काफ़ी न्यूज़ में था, आपको ये बताना है कि हाल ही में किसने उत्तराखंड में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नवीन सड़क मार्ग देश को समर्पित किया है। तो क्या है कि हाल ही में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक नई रोड बनाई गई है। इसकी लंबाई है 80 किलोमीटर, और ये उत्तराखंड में धारचूला से लेकर लिपू लेक तक बनाई गई है। तो इसकी लंबाई है 80 किलोमीटर, और इसको बनाया है BRO ने, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका उद्घाटन किसने किया था? भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है, सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मई 2020 में फोर्ब्स इंडिया बिलियनेयर्स लिस्ट 2020 जारी की गई। आपको बताना है कि इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है। अब क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है इंडिया के बिलियनेयर्स की, तो ऑब्वियसली बात है नंबर 1 पर हैं मुकेश अंबानी। इसके बाद भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं राधा किशन दमानी, और तीसरे नंबर पर हैं शिव नादर। इनमें से किस संस्था ने एक कम लागत वाली COVID-19 टेस्ट किट बनाई है, जिसका नाम रखा गया है फेलुदा। तो फेलुदा नाम की टेस्ट किट बनाई है हमारी जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, इसकी एक लैब में बनाया गया है, जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहीं पर मैं आपको बता दूं कि हाल ही में जो IIT दिल्ली है, इन्होंने एक COVID-19 टेस्ट किट बनाया है, जिसको पूरी दुनिया की सबसे सस्ती COVID-19 टेस्ट किट बताया जा रहा है। इसका नाम है कोरोस्योर। तो ये भी आपको याद रखना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ये भारत की एक महारत्न कंपनी है इनफैक्ट। तो इसके अध्यक्ष बने हैं श्रीकांत माधव वैद्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनसे पहले थे संजीव सिंह, लेकिन अभी बनाए गए हैं श्रीकांत माधव वैद्य। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसमें आपको ये बताना है कि 7 मई 2020 को इनमें से कौन से शहर में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में गैस रिसाव के चलते 11 लोगों की मौत हो गई। तो इसका राइट आंसर आप सभी जानते हैं, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम में एक गांव है जिसका नाम है RS वेंकटपुरम। तो यहां पर 7 मई को
एक एलजी पॉलीमर इंडस्ट्री प्लांट में गैस रिलीज हो गई। हालांकि बहुत ही जल्द गैस के रिसाव पर काबू पा लिया गया, लेकिन इस पूरी आपदा से 11 लोगों की मौत हो गई थी। यहां पर आपसे एक सवाल और पूछ सकते हैं कि इसमें कौन सी गैस रिलीज हुई थी, तो आपको याद रखना है स्टायरीन, STYRENE। इसका इस्तेमाल प्लास्टिक और रेजिन बनाने में किया जाता है, लेकिन ये काफ़ी जहरीली गैस है और अगर ये इंसानों के शरीर में चली जाए तो नर्वस सिस्टम पर इसका सीधा असर पड़ता है और सांस लेने में भी काफ़ी समस्या होती है, तो इसी से 11 लोगों की मौत हो गई है। अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर करना आपके लिए आसान हो गया है। इसमें यही पूछा जा रहा है कि 7 मई 2020 को जो विशाखापत्तनम गैस लीक आपदा हुई थी, इसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, तो करेक्ट आंसर होगा स्टायरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन अवार्ड से है। आप जानते हैं हर साल पत्रकारिता में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है, वैसे तो ये पुरस्कार कई सारी कैटेगरी में दिया जाता है, तो इस बार जो पुलित्जर पुरस्कार था इसमें 3 भारतीय पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया है। आपको बताना है कि इनको कौन सी कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि फीचर फोटोग्राफी। और ये 3 लोग कौन कौन से हैं? चन्नी आनंद, मुख्तार खान और दार यासीन। ये तीनों ही एसोसिएटेड प्रेस के पत्रकार हैं, तो इनको ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साल 2018 तक के आंकड़ों के हिसाब से भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी हो गई है? देखिए, हाल ही में भारत के जो रजिस्ट्रार जनरल हैं उन्होंने साल 2018 के लिए ये सब डेटा जारी किया है। इसमें इन्होंने जन्म दर, मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर, इनके लिए डेटा जारी किया है, तो इसी के हिसाब से साल 2018 तक भारत की शिशु मृत्यु दर हो चुकी है 32। यानी कि अगर भारत में 1000 बच्चों ने जन्म लिया तो उनमें से 32 बच्चों की डेथ हो गई अगले एक साल के अंदर, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब यहां पर मैं आपको तीनों के बारे में अलग अलग बताऊंगा, तो इनके बारे में आपको याद रखना है क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। शिशु मृत्यु दर भारत की है 32, और अगर हम अलग अलग राज्यों की बात करें तो राज्यों में सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में 48, जो कि सबसे खराब कंडीशन को दर्शाता है, और सबसे बेस्ट है नागालैंड में, क्योंकि यहाँ पर सबसे कम है, केवल 4। अब इसके बाद राष्ट्रीय जन्म दर और मृत्यु दर, इन दोनों को हम एक साथ समझते हैं। राष्ट्रीय जन्म दर क्या होती है? मान लीजिए किसी खास एरिया में 1000 लोग रहते हैं, तो उस एरिया में यानी कि प्रति 1000 लोगों के ऊपर कितने नए बच्चों का जन्म हुआ, उसको बोलते हैं राष्ट्रीय जन्म दर, और उसी 1000 में से कितने लोगों की डेथ हो गई उसको बोलते हैं मृत्यु दर, राइट? तो भारत की राष्ट्रीय जन्म दर है 20, यानी कि प्रति 1000 पॉपुलेशन पर 20 नए बच्चों का जन्म हुआ, और ऐसे ही भारत की मृत्यु दर है 6.2। अब अगर हम राज्यों की बात करें तो राष्ट्रीय जन्म दर सबसे ज़्यादा है बिहार में और डेथ रेट सबसे ज़्यादा है छत्तीसगढ़ में, तो ये अपने हिसाब से आपको ये सभी याद रखने हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने एक इंडेक्स जारी किया था, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020, यानी कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020। आपको बताना है कि इसमें भारत कौन से स्थान पर है, तो ये जो इंडेक्स है इससे हमें ये पता चलता है कि कौन से देश ऊर्जा के परंपरागत तरीकों को छोड़कर नए तरीकों को अपना रहे हैं, तो इस मामले में भारत की रैंक है 74। हालांकि पिछली बार भारत 76वें स्थान पर था, तो इस बार भारत ने 2 पायदान की ग्रोथ की है, और इस इंडेक्स में नंबर 1 कंट्री है स्वीडन, तो इसमें भारत की रैंक आपको याद रखनी है 74। इनमें से किस राज्य की सरकार ने युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु होप पोर्टल लॉन्च किया है? ये जो होप पोर्टल है इसका फुल फॉर्म है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, तो इसको लॉन्च किया है उत्तराखंड की सरकार ने, सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उत्तराखंड की अब नई ग्रीष्मकालीन राजधानी बन गई है गैरसैन, तो यहाँ पर बेरोजगार युवाओं को नौकरी तलाशने में हेल्प करने के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया गया है, और अगर आपको याद हो तो उत्तराखंड में ही COVID-19 दृष्टि पोर्टल भी लॉन्च किया गया था। अब यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, बेसिकली 4 GITech प्रोडक्ट्स के नाम दिए गए हैं और 4 स्टेट्स, तो आपको इनको करेक्टली मैच करना है, इनमें से कोई एक ऑप्शन गलत है उसी को आपको बताना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस महीने में कई सारे प्रोडक्ट हैं जिनको GITech दिया गया है, तो ये आपको आसानी से याद हो पाएं, इसीलिए मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन को दोबारा से लिया है। तो आइए इसको एक एक ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले है जम्मू कश्मीर का केसर, ये बिल्कुल ठीक है। इसके बाद है असम का काला चावल, ये गलत है,
क्योंकि जो चाखाओ नाम का काला चावल है ये मणिपुर में उगाया जाता है, तो यहाँ पर होगा मणिपुर ना कि असम। फिर इसके बाद है उत्तर प्रदेश का गोरखपुर टेराकोटा और तमिलनाडु की कोविलपट्टी कदलाई मिठाई, तो ये सभी ठीक हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। तो आई होप आपने इसका राइट आंसर किया होगा। ऐसे ही आपको वीडियो को ध्यान से देखते चलना है ताकि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो जाएं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए इनमें से कौन से देश ने आई फील यू नाम का ब्रेसलेट विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि इटली। तो इटली में एक ऐसा ब्रेसलेट यानी कि कंगन विकसित किया गया है जिसको अगर आप अपने हाथों में पहनेंगे, बेसिकली ये रेडियो सिग्नल पर काम करता है, तो अगर आपने पहना है तो जैसे ही आपके नज़दीक कोई आएगा तो उसकी जानकारी आपको हो जाएगी। तो इसको इटली में लॉन्च किया गया है। इस क्वेश्चन में आपको भारत की पहली स्वचालित कोविड 19 परीक्षण मशीन का नाम बताना है जिसको हाल ही में भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने देश को समर्पित किया है। ये जो मशीन है ऑटोमेटेड कोविड 19 टेस्टिंग मशीन, इसका नाम है कोबास 6800। और ये जो मशीन है ये पूरे एक दिन के साइकिल में यानी कि 24 घंटों के अंदर अंदर 1200 सैंपल्स को टेस्ट कर सकती है, तो इसका नाम है कोबास 6800। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, किस राज्य की सरकार ने राज्य में खेती करने के संबंध में निर्देश देने का निर्णय लिया है? कहने का मतलब ये है कि अब राज्य सरकार डिसाइड करेगी कि किसानों को कहाँ पर खेती करना है, कितनी ज़मीन पर खेती करना है, किस चीज़ की खेती करना है, ये सब डिसाइड करेगी राज्य सरकार। तो ये डिसीजन लिया है तेलंगाना की सरकार ने। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, इनकी पार्टी है तेलंगाना राष्ट्र समिति। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डेज से है और इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि इस महीने में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज मनाए गए हैं। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ये हर साल 3 मई को मनाया जाता है और इस बार इसकी थीम है जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर, यानी कि जो पत्रकारिता है ये ऐसी होनी चाहिए जिसमें ना तो डर हो और ना ही पक्षपात। तो इस बार की थीम आपको याद रखनी है जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर। तो अब आइए देखते हैं कि इस महीने में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज मनाए गए हैं। सबसे पहले 1 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, फिर इसके बाद 2 मई को मनाया गया विश्व टूना दिवस, वर्ल्ड टूना डे। एक्चुअल में टूना एक मछली होती है और इसी के संरक्षण के लिए विश्व टूना दिवस मनाया जाता है। फिर इसके बाद 3 मई को, जैसा कि मैंने आपको बताया, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जिसकी थीम है जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर। फिर इसके बाद 5 मई को मनाया गया विश्व अस्थमा दिवस और अब से हर साल ये 5 मई को ही मनाया जाएगा, इसकी थीम है एनएफ अस्थमा डेथ्स। 5 मई को ही 2 इंपॉर्टेंट डेज और मनाए गए हैं, मिडवाइफ के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जिसकी थीम थी सेलिब्रेट डिमॉन्स्ट्रेट मोबिलाइज एंड यूनाइट, और 5 मई को ही मनाया गया था हाथ स्वच्छता दिवस जिसकी थीम थी सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स। फिर इसके बाद 8 मई को मनाया गया विश्व रेड क्रॉस दिवस, 9 मई को मनाया गया विश्व प्रवासी पक्षी दिवस यानी कि वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, इसकी इस बार थीम है बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड, बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। फिर इसके बाद 11 मई को मनाया गया नेशनल टेक्नोलॉजी डे, ये भारत में मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1998 में भारत ने अपना परमाणु परीक्षण किया था। फिर इसके बाद 12 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, जो कि आप जानते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के रूप में मनाया जाता है और इस बार फ्लोरेंस नाइटिंगेल की 200वीं जयंती थी, और इस बार के अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की थीम है नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। तो यहाँ पर मैंने आपको 1 से लेकर 12 मई तक के इंपॉर्टेंट डेज बता दिए हैं, बाकी जो बच गए हैं वो मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताऊंगा। तो अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, इसके महानिदेशक के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, इसके नए महानिदेशक के रूप में अपॉइंट किया गया है वी विद्यापति को। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इनमें से किस राज्य की सरकार ने कोरोना प्रभावित एमएसएमई उद्योगों के लिए रीस्टार्ट पैकेज की अनाउंसमेंट की है? तो रीस्टार्ट पैकेज अनाउंस किया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। तो इसमें बेसिकली एमएसएमई उद्योगों के लिए 1110 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी। ये जो रीस्टार्ट पैकेज है इसको आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है।
स्वास्थ्य कर्मियों के लिए नवरक्षक नाम की पीपीई किट किसने विकसित की है? ये जो पीपीई यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो इसमें पूरी बॉडी को सुरक्षित रखने के लिए कई सारी चीज़ें होती हैं, इसमें मास्क, ग्लव्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। तो नवरक्षक नाम की जो पीपीई किट है, इसको विकसित किया है हमारी भारतीय नौसेना ने। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि वर्तमान में पीपीई किट उत्पादन के मामले में दुनिया में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसके उत्पादन में नंबर वन कंट्री है चाइना और दूसरे स्थान पर है भारत। तो क्योंकि यहाँ पर भारत की रैंक पूछी गई है, सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सिंगापुर में भारत के नए राजदूत के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? सिंगापुर आप जानते हैं ये वो कंट्री है जहाँ से भारत को सबसे ज़्यादा एफडीआई मिला था 2019 में। तो अभी अभी सिंगापुर में भारत के नए राजदूत बने हैं पी कुमारन। इसके अलावा यहाँ पर जो बाकी के ऑप्शंस हैं, इनको भी किसी न किसी कंट्री में भारत का नया राजदूत बनाया गया है। तो आइए इनको देखते हैं। सबसे पहले हैं पी के नायर, इनको अफ्रीकन कंट्री नाइजर में राजदूत बनाया गया है। पी कुमारन सिंगापुर, ये मैंने आपको बता दिया। दीपक मित्तल जो हैं, इनको कतर में भारत का राजदूत बनाया गया है। कतर में ही आप जानते हैं 2022 के फीफा वर्ल्ड कप आयोजित किए जाएंगे। और पीयूष श्रीवास्तव को बहरीन में भारत का राजदूत बनाया गया है। तो इन सभी के बारे में आपको याद रखना है, इनकी हाल ही में अपॉइंटमेंट हुई है। निकेई एशिया पुरस्कार 2020 से किसको सम्मानित किया जाएगा? ये जो निकेई एशिया पुरस्कार होता है, इसको जापान की एक ऑर्गेनाइजेशन देती है और ये उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने पूरे एशिया रीजन में कोई ऐसी उपलब्धि हासिल की है जिससे लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। तो ये पुरस्कार वैसे तो तीन कैटेगरी में दिया जाता है, लेकिन अभी सिर्फ एक ही कैटेगरी का अनाउंस किया गया है और ये कैटेगरी है साइंस टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। तो इस कैटेगरी में ये सम्मान मिलेगा टी प्रदीप को, जो कि IIT मद्रास के एक प्रोफेसर हैं। तो ये आपको याद रखना है। दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर इनमें से किस संस्थान ने एक इम्यूनिटी बूस्ट कार्यक्रम आयोजित किया था जिसका नाम था आयु रक्षा? बेसिकली आप जानते हैं जो COVID-19 है, इससे वही लोग रिकवर हो पा रहे हैं जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, यानी कि उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत है। तो इसीलिए हाल ही में दिल्ली पुलिस ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के साथ मिलकर ये इम्यूनिटी बूस्ट कार्यक्रम शुरू किया था जिसका नाम था आयु रक्षा। तो ये आपको याद रखना है। लोगों की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए ही और भी कई सारे पहल शुरू किए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है जीवन अमृत योजना। तो इसके तहत बेसिकली आयुष डिपार्टमेंट द्वारा बनाया गया है त्रिकुट चूर्ण, इसको फ्री ऑफ कॉस्ट 1 करोड़ लोगों को दिया जाएगा ताकि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो सके। और ऐसे ही जो हमारा CSIR है, तो CSIR की एक मैसूर में लैब है जिसका नाम है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इस संस्थान ने स्पिरुलिना ग्राउंडनट चिक्की बनाई है जो कि लोगों को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगी ताकि लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रांग हो सके। देन इसके बाद ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस शहर की पुलिस ने थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेडगियर लॉन्च किया है? तो बेसिकली पुलिस कर्मियों की सुरक्षा के लिए ये थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेडगियर लॉन्च किया गया है, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। तो इसको दिल्ली पुलिस ने लॉन्च किया है, सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक संस्था है CREA, यानी कि सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर। ये जो संस्था है, इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है। तो इसके हिसाब से पिछले 40 सालों में पहली बार इनमें से कौन से देश में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि अपना भारत। 4 बार Formula 1 वर्ल्ड चैंपियन रह चुके सेबेस्टियन वेटल, ये कौन सी कंपनी की कार ड्राइव करते हैं? सेबेस्टियन वेटल जो हैं, ये फरारी की कार ड्राइव करते हैं, जो कि आप जानते हैं इटली की कंपनी है। तो अभी ये न्यूज़ में इसलिए थे क्योंकि इन्होंने अब फरारी को छोड़ने का फैसला किया है, तो इस साल के आखिर में ये फरारी को छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ ने किस नाम से एक राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस लॉन्च करने की योजना बनाई है? तो ये जो ई कॉमर्स मार्केट प्लेस होगा, ये बेसिकली हमारे जो खुदरा व्यापारी हैं उनको बाजार से जोड़ने के लिए शुरू किया जाएगा। तो इसका नाम होगा भारत मार्केट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
बाबा रामदेव की जो कंपनी है पतंजलि, इन्होंने भी हाल ही में अपना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। आपको बताना है कि पतंजलि के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। तो इसका नाम है ऑर्डर मी। तो इस पर पतंजलि के प्रोडक्ट बेचे जाएंगे और इस पर ऑर्डर भी लिए जाएंगे और होम डिलीवरी की भी सेवा दी जाएगी। और आप सभी जानते होंगे कि पतंजलि ने COVID-19 के लिए दो दवाएं बनाई थी जिसको लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई। एक का नाम था कोरोनिल और दूसरी का नाम था स्वासारी वटी। तो इनके नाम भी याद रखना है आपको, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जाए। इसराइल की नई गठबंधन सरकार में वहाँ के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो अभी अभी इसराइल में चुनाव हुए थे और लगातार पांचवी बार इसराइल के प्रधानमंत्री बन गए हैं बेंजामिन नेतन्याहू। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और क्योंकि यहाँ पर गठबंधन सरकार बनी है तो इसमें यह डिसाइड किया गया है कि शुरू के 18 महीनों तक बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन उसके बाद जो अगले प्रधानमंत्री होंगे उनका नाम होगा बेनी गेंट्स। तो ये भी आपको याद रखना है। इसराइल की राजधानी है यरूशलम और यहाँ की करेंसी है न्यू सेकल। 2021 में जो 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय पुरुष चैंपियनशिप होगी, इसकी मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? देखिए यहाँ पर मैं आपको दोनों बताता हूँ। 2021 में जो सीनियर चैंपियनशिप होगी तो पुरुषों में इसका आयोजन किया जाएगा महाराष्ट्र में और महिलाओं में इसका आयोजन किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। तो एम से मेंस और एम से महाराष्ट्र, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेंस का पूछा गया है, सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वैसे यहाँ पर आप इनको देख भी सकते हैं, ये मैंने आपको सीनियर चैंपियनशिप का बताया था, यहाँ पर आप जूनियर का भी देख सकते हैं। आप जानते हैं कोरोना वायरस का सबसे पहला केस आया था चीन के वुहान शहर में और उसके बाद ये वुहान शहर में ही पूरी तरह से फैल गया था, जिसके बाद यहाँ पर कम्प्लीटली लॉकडाउन लगा दिया गया था। तो उस दौरान वुहान की जो कंडीशन थी, तो उसी पर हाल ही में एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी। तो आपको बताना है कि इसको कौन से चीनी साहित्यकार ने लिखा है। तो इनका नाम है फांग फांग। यहाँ पर आप इस बुक के कवर पेज में भी देख सकते हैं। इनमें से किस देश की प्राथमिक फुटबॉल लीग का नाम है बुंदेसलीगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि जर्मनी। और ये हाल ही में न्यूज़ में था क्योंकि COVID-19 के दौरान ये पहली स्पोर्ट इवेंट थी जिसका आयोजन किया गया। तो जर्मनी में जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो उसके बाद इसका आयोजन किया गया था, हालांकि इसमें ऑडियंस को शामिल नहीं किया गया था। और अगर हम इसके रिजल्ट की बात करें तो इसको लगातार 8वीं बार जीता है बेयर्न म्यूनिक ने। तो ये आपको याद रखना है। इसमें आपको ये बताना है कि 1 मई 2020 को इनमें से कौन से दो राज्य हैं जिन्होंने अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया है। तो 1 मई को आप जानते हैं दो राज्य बने थे, एक तो गुजरात और दूसरा महाराष्ट्र, 1 मई 1960 को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं वो राज्य जिनका स्थापना दिवस मई महीने में मनाया गया है। सबसे पहले 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र, फिर 16 मई को सिक्किम का स्थापना दिवस और 30 मई को गोवा का 33वां स्थापना दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, वीडियो के माध्यम से KYC सुविधा शुरू करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? वैसे तो इसको अभी ICICI बैंक ने भी शुरू कर दिया है, लेकिन सबसे पहले शुरू किया था कोटक महिंद्रा बैंक ने। तो इसे क्या होगा, जो कोटक महिंद्रा बैंक के कस्टमर्स हैं वो वीडियो कॉल के जरिए KYC जमा कर सकते हैं। KYC का मतलब होता है नो योर कस्टमर। तो इसको सबसे पहले कोटक महिंद्रा बैंक ने शुरू किया है, सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस बैंक के MD और CEO हैं उदय कोटक। और आप ये भी जानते होंगे कि इनको 2020-21 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष भी बना दिया गया है। तो इतना आपको याद रखना है। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने FIR आपके द्वार योजना शुरू की है? FIR आपके द्वार यानी कि अब आप घर बैठे ही FIR दर्ज करा सकते हैं। तो इसको शुरू किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। महान टेनिस प्लेयर एस्ले कूपर का हाल ही में निधन हो गया, आपको बताना है कि ये कौन से देश से थे। तो एस्ले कूपर ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर थे और इन्होंने अपने करियर में 4 बार टेनिस ग्रैंड स्लैम जीता था। बांग्लादेश के एक फेमस साहित्यकार थे प्रोफेसर अनिसुज्जमान, इनकी भी हाल ही में डेथ हो गई और इनको भारत सरकार ने देश का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया था पद्म भूषण। दक्षिण अफ्रीका के एक जाने माने कार्यकर्ता थे जिनका नाम था डेनिस गोल्डबर्ग, इनकी भी हाल ही में डेथ हो गई।
इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ काफ़ी संघर्ष किया था और इसके लिए इनको 22 साल जेल में भी रहना पड़ा था। तो ये दक्षिण अफ्रीका के थे, ये आपको याद रखना है। और नासा के पूर्व अध्यक्ष जेम्स एम बैक्स का भी हाल ही में निधन हो गया। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर केन्या की राजधानी नैरोबी में है, तो आपको बताना है कि इसकी गुडविल एम्बेसडर कौन है। तो यूएनईपी की सद्भावना राजदूत हैं दिया मिर्जा, और अभी इनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इनमें से किस संस्था ने वायरस का खात्मा करने के लिए यानी कि वायरस को डिसइंटीग्रेट करने के लिए अतुल्य नाम का एक माइक्रोवेव स्टरलाइजर विकसित किया है? यहाँ पर आप इसको देख भी सकते हैं। तो जैसा कि इसके नाम से समझ आ रहा होगा, ये एक माइक्रोवेव स्टरलाइजर है। कहने का मतलब ये हीट के जरिए वायरस को ख़त्म करता है। तो अगर हम COVID-19 के वायरस की बात करें, जिसका नाम SARS-CoV-2 है, तो इसको ये लगभग 60 डिग्री सेल्सियस के आसपास डिसइंटीग्रेट कर देता है। तो अब बात आती है कि इसको बनाया किसने है। इसको बनाया है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, जो कि पुणे में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके अलावा जो हमारा CSIR है, इसकी एक लैब में भी ऐसी ही एक मशीन बनाई गई है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक डिसइंफेक्शन मशीन। तो ये भी वायरस का खात्मा करने के लिए ही बनाई गई है, लेकिन इसमें फ़र्क यह है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंसिपल पर काम करती है। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे कि जिस भी सतह से वायरस को ख़त्म करना होता है उस पर आवेशित कणों का छिड़काव किया जाता है, यानी कि चार्ज्ड पार्टिकल्स को स्प्रे किया जाता है और इससे वायरस डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो इस मशीन को CSIR के जिस लैब में बनाया गया है, ये चंडीगढ़ में है। इसका नाम है सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, या शॉर्ट में बोलते हैं इसको CSIO। तो इन दोनों के बारे में आपको याद रखना है। माइक्रोवेव स्टरलाइजर को बनाया है DIAT ने, और इलेक्ट्रोस्टैटिक डिसइंफेक्शन मशीन को बनाया है CSIO ने। भारत सरकार ने देश में ऑनलाइन शिक्षा के लिए कौन सा प्रोग्राम शुरू किया है? तो देश में डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए PM-eVidya कार्यक्रम शुरू किया गया है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, PM-eVidya कार्यक्रम। तो इसके तहत हर एक क्लास के लिए एक स्पेशल चैनल बनाया जाएगा, यानी कि क्लास 1 से लेकर 12 तक टोटल 12 स्पेशल चैनल बनाए जाएंगे। यहीं पर मैं आपको बता दूं कि हमारा जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, उन्होंने भारत में डिजिटल शिक्षा के लिए प्रगता नाम से दिशा निर्देश जारी किए हैं। हाल ही में जापान सरकार ने मणिपुर के किस डॉक्टर को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है? यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं, इन्होंने भारत और जापान के बीच संबंधों को बढ़ावा देने में काफ़ी अहम योगदान दिया है। तो इनको जापान सरकार ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है। इनका नाम है थंग जाम धबाली। तो ये मणिपुर के एक डॉक्टर हैं, इनको आपको याद रखना है। हाल ही में किस मंत्रालय ने गोइंग ऑनलाइन एज लीडर यानी कि गोल कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये एक्चुअल में भारत की ट्राइबल कम्युनिटी के लिए शुरू किया गया है। तो आंसर हो जाएगा जनजातीय कार्य मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। ये जो गोल कार्यक्रम है, ये फेसबुक के साथ साझेदारी में शुरू किया गया है, और इस कार्यक्रम के तहत 5,000 जनजाति युवाओं को उनको एग्रीकल्चर, एंटरप्रेन्योरशिप और डिजिटल कौशल में ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इसको आपको याद रखना है, इसको जनजातीय कार्य मंत्रालय ने फेसबुक के साथ साझेदारी में शुरू किया है। हाल ही में किसने COVID-19 महामारी पर कोविड कथा नाम से एक मल्टीमीडिया गाइड लॉन्च की है? इसमें COVID-19 से रिलेटेड हर तरह की जानकारी दी गई है। तो इसको भारत के स्वास्थ्य मंत्री ने लॉन्च किया है। आंसर होगा डॉक्टर हर्षवर्धन। हाल ही में किस मंत्रालय ने नदी प्रबंधन का भविष्य विषय पर एक आइडियाथॉन का आयोजन किया? वैसे तो इस क्वेश्चन का आंसर करना बहुत ही आसान है, क्योंकि आप जानते हैं भारत में वाटर से जुड़े मुद्दों के लिए एक ही मंत्रालय है, जिसका नाम है जल शक्ति मंत्रालय, और इसके मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। तो ये जो आइडियाथॉन आयोजित किया गया था, इसमें बेसिकली इस बात पर चर्चा की गई कि COVID-19 महामारी के दौरान जो लॉकडाउन लगा था, उससे हम रिवर मैनेजमेंट की दिशा में क्या कुछ सीख सकते हैं। COVID-19 मरीजों के लिए भारत के किस रेलवे जोन ने रेलबॉट नाम का एक रोबोट बनाया है? यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। तो इसको भी COVID-19 के जो मरीज हैं, उन तक भोजन, दवाइयाँ और दूसरी आवश्यक चीज़ें पहुँचाने के लिए इसको भी बनाया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि दक्षिण मध्य रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे।
मई 2020 में इनमें से किस राज्य की तेलिया रूमाल को जीआई टैग दिया गया है? इसको याद रखना बहुत ही आसान है क्योंकि TEL से भारत का एक ही राज्य शुरू होता है, आंसर है तेलंगाना। तो तेलंगाना की तेलिया रूमाल को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। इस रूमाल की खास बात यह है कि इसको बिल्कुल पारंपरिक तरीके से बनाया जाता है हाथों से, इसमें किसी भी तरह का मैकेनिकल डिवाइस यूज नहीं की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जीआई टैग से रिलेटेड है, इसमें आपको यह बताना है कि इनमें से किस राज्य की सोहराय और खोवर आर्ट को जीआई टैग दिया गया है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि झारखंड। तो झारखंड के ये दो फेमस आर्ट्स हैं, मेनली ये झारखंड के हजारीबाग में ये पेंटिंग्स बनाई जाती हैं, तो इनको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। और एक चीज़ आपको बता दूं कि झारखंड के आज तक किसी भी चीज़ को जीआई टैग नहीं दिया गया था, तो ये झारखंड को पहली बार जीआई टैग मिला है, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आप इन दोनों को देख सकते हैं, तेलंगाना की तेलिया रूमाल और झारखंड की सोहराय खोवर आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आप जानते होंगे कि हर साल मई के महीने में WHO की विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किया जाता है और इसका आयोजन जेनेवा में किया जाता है, लेकिन इस बार COVID-19 के चलते वर्चुअली इसका आयोजन किया गया। ये इसका 73वां संस्करण था। तो आपको ये बताना है कि इस बार भारत से इसमें किसने पार्टिसिपेट किया है? तो इसका आंसर भी आप गेस कर सकते हैं, हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, भारतीय इस्पात संघ यानी कि इंडियन स्टील एसोसिएशन, इसके नए अध्यक्ष के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? देखिए, अभी तक ISA के अध्यक्ष थे TV नरेंद्रन, लेकिन कुछ समय पहले आपको पता होगा टाटा स्टील ने ISA की सदस्यता छोड़ दी है, तो उसी के साथ TV नरेंद्रन ने इसके अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे दिया था। तो इनके बाद अब बनाया गया है दिलीप पुम्मेन को। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इनके बारे में आपको याद रखना है, इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बन गए हैं दिलीप उम्मेन। बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर की हाल ही में डेथ हो गई, मुख्य अभिनेता के रूप में इनकी पहली फिल्म कौन सी थी? यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि लीड एक्टर के रूप में इनकी पहली फिल्म कौन सी थी। वैसे तो इनकी पहली फिल्म थी मेरा नाम जोकर, जो कि 1970 में आई थी, इसमें इन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में काम किया था, लेकिन मुख्य अभिनेता के रूप में इनकी पहली फिल्म थी बॉबी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ना कि सी। आप जानते हैं कि जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है NASA, ये इस साल मंगल ग्रह की स्टडी करने के लिए मार्स 2020 रोवर लॉन्च करेगी। इनका मार्स 2020 मिशन जाएगा, इसमें सबसे पहली चीज तो एक रोवर होगा जिसका नाम रखा गया है परसेवरेंस, और इसी में पहली बार एक हेलीकॉप्टर को भी भेजा जाएगा जिसका नाम रखा गया है इनजेन्युइटी। तो इस क्वेश्चन का तो आंसर होगा ऑप्शन बी। और ये जो इनजेन्युइटी नाम दिया गया है, ये नाम भारतीय मूल के एक छात्र ने दिया था जिसका नाम है वनीजा रूपाणी। तो ये आपको याद रखना है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। अब देखिए, इसको जुलाई 2020 में लॉन्च किया जाना है, हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक ये लॉन्च भी हो चुका हो। यहां पर नासा की बात हुई है तो मैं आपको ये भी बता दूं कि नासा का जो अगली पीढ़ी का टेलीस्कोप होगा, स्पेस टेलीस्कोप, जिसका नाम है वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप, इसका नाम बदलकर नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर रख दिया गया है। नैन्सी ग्रेस रोमन जो थी, ये नासा की पहली मुख्य खगोल वैज्ञानिक थी, यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं। तो इन्हीं के नाम पर जो अगली पीढ़ी का टेलीस्कोप है, इसका नाम नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप कर दिया गया है। इसको लॉन्च किया जाएगा 2025 में। केंद्र सरकार द्वारा इनमें से किस शहर का पूरी तरीके से सौरीकरण करने का फैसला किया गया है, यानी कि इस पूरे के पूरे शहर को ही सोलराइज किया जाएगा, इसका नाम है कोणार्क, जो कि आप जानते हैं ओडिशा में है, और यहीं पर फेमस कोणार्क सन टेम्पल भी है। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020, इसको हाल ही में स्थगित कर दिया गया है, इसका आयोजन कौन से देश में किया जाएगा? तो इसका मेजबान है स्पेन, लेकिन ये 2020 में होना था, अब ये होगा 2021 में। यहाँ पर मैंने उन सभी चैंपियनशिप्स के नाम लिखे हैं जो कि हाल ही में पोस्टपोन हुए हैं। तो ये मैंने आपको बताया वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप, इसका आयोजन किया जाएगा 2020 की बजाय 2021 में। फीना एक्वेटिक वर्ल्ड चैंपियनशिप, इसका आयोजन किया जाना है फुकुओका जापान में, अब ये होगा 2021 की बजाय 2022 में। अब ये काफ़ी महत्वपूर्ण है
कि जो सातवां राष्ट्रमंडल युवा खेल है इसका आयोजन किया जाएगा 2021 की बजाय 2023 में, मतलब ये 2022 में भी नहीं होगा। एक्चुअल में आप जानते हैं 2022 में कई सारे स्पोर्ट इवेंट होने वाले हैं, जैसे कि फीफा वर्ल्ड कप, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, और कई सारे स्पोर्ट इवेंट ऐसे भी हैं जो कि 2021 में होने थे लेकिन उनको 2022 में कर दिया गया है, जैसे यहीं पर आप देख सकते हैं। तो इन सब के चलते इसका आयोजन ना तो 2021 में होगा ना ही 2022 में, इसका आयोजन किया जाएगा 2023 में। इनफैक्ट आपको पता होगा, अभी न्यूज़ आई है कि 2022 में जो यूथ ओलंपिक्स होने वाले थे उसका आयोजन अब 2026 में किया जाएगा। तो यहीं पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि 2022 के ये जो यूथ ओलंपिक्स होने वाले थे जो अब 2026 में होंगे, इसका होस्ट कंट्री कौन सा है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। हाल ही में परजीवी कवक की एक नई प्रजाति की खोज की गई और इसका नाम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के नाम पर रखा गया है। और इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि इसके जो पहले सबसे पहली पिक्चर है ये इसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की गई। तो आपको बताना है इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। तो मैं आपको इसका नाम बताता हूँ कि इसका नाम क्या रखा गया है, उससे ही आप समझ जाएंगे। तो इसका नाम रखा गया है ट्रोग्लोमाइसेस ट्विटरी, ट्रोग्लोमाइसेस ट्विटरी। तो आप समझ गए हैं इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ट्विटर के सीईओ हैं जैक डॉर्सी। हमारा जो अंडमान आइलैंड है यहाँ पर कुछ समय पहले पाम वृक्ष की एक प्रजाति पाई जाती थी जिसका नाम था पिनंगा अंडमानेंसिस, लेकिन अब ये पूरी तरीके से विलुप्त हो चुकी है। तो अब आपको ये बताना है कि इसको हाल ही में कौन से राज्य में फिर से ग्रो किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि केरल। किस राज्य की सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने के लिए प्रवास आयोग के गठन की अनाउंसमेंट की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने अनाउंस किया है कि यहाँ पर प्रवास आयोग का गठन किया जाएगा प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने के लिए। और यहीं पर मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि मध्य प्रदेश की सरकार ने ऑलरेडी इस चीज़ के लिए एक आयोग गठित कर दिया है जिसका नाम रखा गया है प्रवासी श्रमिक आयोग, प्रवासी श्रमिक आयोग। ओके, अब इसी के साथ मैं आपको बताता हूँ कि हाल ही में प्रवासी श्रमिकों के लिए कौन कौन सी पहल शुरू की गई हैं, चाहे वो किसी राज्य की सरकार ने शुरू किया हो या फिर भारत सरकार ने। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मध्य प्रदेश की सरकार ने रोजगार सेतु योजना शुरू की है, ऐसे ही उत्तराखंड की सरकार ने उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू की है। ये बेसिकली जो दूसरे राज्यों से वापस आ रहे हैं प्रवासी श्रमिक, उनको रोजगार देने के लिए शुरू किया गया है। ऐसे ही प्रवासी श्रमिकों की हेल्प करने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने चरण पादुका पहल शुरू की थी, और हिमाचल प्रदेश में प्रवासी परिवारों के जो सदस्य हैं उनको एजुकेट करने के लिए ताकि सोशल डिस्टेंसिंग को इफेक्टिवली मेंटेन किया जा सके, इसके लिए निगाह कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसके अलावा हमारी जो होम मिनिस्ट्री है इन्होंने एक पोर्टल शुरू किया है जिसका नाम है राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली पोर्टल, नेशनल माइग्रेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल। इस पोर्टल पर पूरे देश भर के जो प्रवासी मजदूर हैं उनका डेटा स्टोर किया जाएगा ताकि उनको आने जाने में हर संभव हेल्प की जा सके। तो ये जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं ये सभी प्रवासी श्रमिकों की हेल्प के लिए शुरू की गई हैं। मई 2020 में बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोन आया था जिसका नाम था अम्फान, और क्योंकि इसकी स्पीड 240 किलोमीटर पर आवर थी तो ये एक सुपर साइक्लोन था। आपको ये बताना है कि इसका जो नाम है अम्फान ये कौन से देश ने सुझाया था। तो अम्फान नाम सुझाया था थाईलैंड ने। अब क्योंकि ये साइक्लोन बंगाल की खाड़ी में आया था तो इसने भारत के दो राज्यों को प्रभावित किया। एक तो है उड़ीसा जिसके हेल्प के लिए केंद्र सरकार ने 500 करोड़ रुपए अनाउंस किए थे, और उसके बाद दूसरा राज्य है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल की हेल्प के लिए केंद्र सरकार ने 1,000 करोड़ रुपए की राशि का ऐलान किया था। मई 2020 में इनमें से किस देश ने 35 देशों की ओपन स्काई संधि से बाहर निकलने का फैसला किया है? आंसर जानने से पहले मैं आपको बता दूं, जो ओपन स्काई संधि है इसका मतलब ये होता है कि जितने भी कंट्रीज इसके मेंबर हैं वो रक्षा निगरानी के लिए एक दूसरे के एयर स्पेस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी अमेरिका ने इससे अलग होने का फैसला किया है, सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और यहीं पर मैं आपको बता दूं कि जो संयुक्त अरब अमीरात है इसने भारत के साथ एक ओपन स्काई ट्रीटी करने के लिए इच्छा जताई है, तो ये भी आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट,
यूनेस्को द्वारा साल 2020 के लिए गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? ये पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है, तो इस बार ये दिया गया है जीनेथ बेडोया लिमा को। ये कोलंबिया की एक पत्रकार हैं, तो इनको यह सम्मान दिया गया है साल 2020 के लिए। किस भारतीय पत्रकार ने DW फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 जीता है? DW जो है ये जर्मनी का एक पब्लिक न्यूज आउटलेट है, इसका फुल फॉर्म होता है ड्यूस वेले। तो इसके द्वारा 2020 के लिए हाल ही में फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड अनाउंस किए गए हैं। तो इस बार कुल 17 पत्रकारों को चुना गया है पूरी दुनिया से। तो इनमें से भारत के जो हैं इनका नाम है सिद्धार्थ वरदराजन, जो कि आपको पता होगा द वायर के संस्थापक हैं। तो सिद्धार्थ वरदराजन को DW फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है। किस मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण में कॉयर जियो टेक्सटाइल्स के उपयोग को मंजूरी दे दी है? यानी कि अब जो ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें बनाई जाएंगी उसमें कॉयर जियो टेक्सटाइल्स का यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, ये काफ़ी मजबूत होता है और काफ़ी टिकाऊ भी होता है। तो अब इसका इस्तेमाल ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण में किया जाएगा। तो इसी से आप समझ गए होंगे इसका आंसर होगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। ये क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसमें आपको ये बताना है कि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी का निधन हो गया, ये इनमें से कौन सी संस्था के सदस्य थे? तो ये लोकपाल के सदस्य थे, आंसर होगा ऑप्शन बी। लोकपाल में आप जानते हैं एक तो होते हैं लोकपाल प्रमुख और बाकी इसमें 8 अन्य सदस्य होते हैं। तो जो 8 अन्य सदस्य होते हैं इनमें से 4 होते हैं न्यायिक सदस्य और 4 होते हैं गैर न्यायिक सदस्य। तो इनके नाम के आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं लगा है जस्टिस, इसका मतलब ये लोकपाल के न्यायिक सदस्य थे, 4 में से एक न्यायिक सदस्य थे। तो इन्हीं की हाल ही में कोरोना वायरस के कारण डेथ हो गई है। ये छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। यहाँ पर मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछता हूँ। ये जो मैंने आपको लोकपाल के बारे में बताया, आपको ये बताना है कि लोकपाल का आदर्श वाक्य क्या है और इस समय भारत के लोकपाल प्रमुख कौन हैं। इनके अलावा हाल ही में कई सारे राइटर्स की डेथ हुई है, तो बस आपको लैंग्वेज और लेखक का नाम याद रखना है, जैसे कि मराठी लेखक रत्नाकर मतकारी, बंगाली भाषा के लेखक देवेश रॉय, उर्दू लेखक मुज्तबा हुसैन और कन्नड़ भाषा के कवि और लेखक एस निसार अहमद, और एक वर्ल्ड फेमस ज्योतिषी थे जिनका नाम था बेजान दारूवाला। तो इनकी भी हाल ही में डेथ हो गई है। इनमें से किस राज्य की सरकार ने बंजर भूमि का इस्तेमाल करने के लिए मातृ स्मृति योजना शुरू की है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि पश्चिम बंगाल। तो ये जो मातृ स्मृति योजना है इसमें राज्य की 50,000 एकड़ की जमीन इस्तेमाल की जाएगी जहाँ पर बिल्कुल भी पैदावार नहीं होती है। तो ये जो बंजर जमीन है इसका इस्तेमाल वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको बागवानी और मछली पालन से जोड़ने के लिए किया जाएगा। तो ये है मातृ स्मृति योजना जिसको शुरू किया है पश्चिम बंगाल की सरकार ने। हाल ही में किसने गोवा में ICGS सचेत और 2 इंटरसेप्टर नावों को कमीशन किया है? और इनको कमीशन किया गया था लॉकडाउन के दौरान, तो इसका मतलब इसका वर्चुअली कमीशन किया गया है गोवा के अंदर। तो इन सबको कमीशन किया था राजनाथ सिंह ने, जो कि हमारे रक्षा मंत्री हैं। ICGS सचेत जो है इसमें ये एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, तो इसका इस्तेमाल तटों पर गश्त लगाने के लिए और बचाव कार्यों में किया जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसको बनाया किसने है, तो इसको बनाया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। इसके अलावा हमारी इंडियन नेवी ने भी हाल ही में एक शिप को कमीशन किया है पोर्ट ब्लेयर में, इसका नाम है INLCU-57। तो ये एक लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी शिप है, इसका मतलब ये है कि इसका इस्तेमाल ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया जाएगा। तो इसको कमीशन किया गया है पोर्ट ब्लेयर में, ये आपको याद रखना है। बेसिकली ये पूरी की पूरी सीरीज है जिसके तहत इसको बनाया गया है LCU Mark IV क्लास वेसल्स, और ये इस कैटेगरी में 7वीं थी। और इन सबको बना कौन रहा है? GRSE कोलकाता। तो ये सब आपको याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। UN जेंडर एडवोकेट अवार्ड के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय शांति रक्षक कौन बनी है? यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं, ये यूनाइटेड नेशन मिशन के तहत साउथ सूडान में तैनात हैं। तो ये भारत की पहली पीस कीपर हैं जिनको UN जेंडर एडवोकेट अवार्ड के लिए चुना गया है। इनका नाम है सुमन गवनी। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फोर्ब्स के अनुसार दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट कौन बन गई हैं? आप जानते होंगे अभी तक
दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फीमेल एथलीट थी सेरेना विलियम्स, लेकिन अभी इनको नाओमी ओसाका ने पीछे छोड़ दिया है कमाई के मामले में। नाओमी ओसाका आप जानते हैं जापान की एक टेनिस प्लेयर हैं, तो ये दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट बन गई हैं। इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट में 49% की हिस्सेदारी खरीद ली है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि मनु लाइफ। ये सिंगापुर की एक कंपनी है, इसने महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट में 49% की हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया है। COVID-19 से निपटने में सहायक खुडोल पहल किस राज्य से संबंधित है? आंसर जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो खुडोल पहल है, यूनाइटेड नेशन ने इस पहल को COVID-19 से निपटने के लिए जो पूरी दुनिया में इनिशिएटिव शुरू किए गए हैं उनमें टॉप 10 इनिशिएटिव में एक बताया गया है। तो ये जो खुडोल इनिशिएटिव है, ये बेसिकली महामारी के दौरान ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की हेल्प करने के लिए शुरू किया गया था। अब यहाँ पर बात आती है कि इसको कौन से राज्य में शुरू किया गया है, तो इसको शुरू किया गया है मणिपुर में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और इसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मणिपुर के काले चावल को जीआई टैग दिया गया है जिसको बोलते हैं चक हाओ। अब इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि हमारे जो बंदरगाह हैं यानी कि पोर्ट्स, इन पर ड्यूटी करते हुए अगर किसी भी कर्मचारी की डेथ हो जाती है कोरोना वायरस के कारण, तो उनके परिवार को केंद्र सरकार की तरफ से कितनी मुआवजा राशि दी जाएगी? तो ऐसे परिवारों को 50 लाख रुपये दिए जाएंगे। हाल ही में किस संस्था ने यूवी ब्लास्टर नाम का एक अल्ट्रा वायलेट कीटाणु शोधन टावर विकसित किया है? यानी कि ये जो कीटाणु शोधन टावर आप देख रहे हैं, इसमें अल्ट्रा वायलेट किरणों का यूज़ किया जाता है। तो इसको बनाया है DRDO ने। आई होप आपने इसका राइट आंसर किया होगा। ये जो डिवाइस है, इसको खासकर ऐसे एरियाज़ को सैनिटाइज करने के लिए बनाया गया है जहाँ पर कोरोना वायरस का संक्रमण काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि एयरपोर्ट्स, शॉपिंग मॉल्स, मेट्रो स्टेशंस, होटल्स, ऑफिस एक्सेट्रा। इसके अलावा DRDO की एक लैब है जिसका नाम है रिसर्च सेंटर इमारत, ये हैदराबाद में है, और इसने भी एक डिवाइस बनाया है जिसका नाम है ध्रुव्स। ध्रुव्स का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजर। तो ये भी अल्ट्रा वायलेट किरणों पर ही काम करता है, लेकिन इसको खासकर जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं और डॉक्यूमेंट्स, इनको स्कैन करने के लिए बनाया गया है, जैसे कि मोबाइल फोन्स, आईपैड, लैपटॉप, चालान, पासबुक एक्सेट्रा। इससे हम करेंसी नोट्स को भी सैनिटाइज कर सकते हैं, लेकिन करेंसी नोट्स को सैनिटाइज करने में इससे काफ़ी समय लगता है, इसीलिए DRDO ने करेंसी नोट्स को सैनिटाइज करने के लिए एक अलग से स्पेशल डिवाइस बनाया है। इसका नाम रखा गया है नोट्स क्लीन। तो ये सब आपको याद रखना है, इसको DRDO ने बनाया है। मई 2020 में दुनिया की सबसे तेज इंटरनेट डेटा स्पीड रिकॉर्ड की गई 44.2 टेराबिट्स पर सेकेंड। आपको बताना है कि ये कौन से देश में दर्ज की गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। आप जानते होंगे एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है मालाबार, और इसमें 3 कंट्री शामिल होते हैं, अपना भारत, जापान और अमेरिका। तो यहाँ पर मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी इसमें ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल करने की बात चल रही है। इसके बाद ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने खेल क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दे दिया है? इससे क्या होगा, राज्य के खेल क्षेत्र में जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो इन्वेस्ट करेंगी और राज्य में खेलों को बढ़ावा मिलेगा। तो खेल क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया गया है मिजोरम में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मिजोरम वैसे काफ़ी कम ही न्यूज़ में रहता है। मिजोरम के यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जोरमथंगा, इनकी पार्टी है मिजो नेशनल फ्रंट, और यहाँ के राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई। भारत ने किस देश में इंडिया नामक एक वार गेम सेंटर की स्थापना की है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि युगांडा। अब ये जो वार गेम सेंटर बनाया गया है, इसका काम क्या होगा? इसका काम ये होगा, युगांडा के जो रक्षा बल हैं उनको इसके तहत ट्रेनिंग दी जाएगी। अब ये क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हाल ही में कई राज्यों को लोन अप्रूव किए गए हैं, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, खासकर जो बैंकिंग के एग्जाम होते हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की जो दामोदर घाटी है, यहाँ पर सिंचाई सेवाओं और बाढ़ प्रबंधन में सुधार के लिए $145 मिलियन अप्रूव किए गए हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक द्वारा। और दूसरा राज्य है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र को ADB से
दो चीज़ों के लिए लोन अप्रूव किए गए हैं। एक तो यहाँ पर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग देने के लिए $346 मिलियन और यहाँ की सड़कों के निर्माण और सुधार के लिए $177 मिलियन। तो ये दोनों आपको याद रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है कि भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य के सड़क निर्माण के लिए $177 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो ये जो $177 मिलियन अप्रूव किए गए हैं, इसका इस्तेमाल महाराष्ट्र में रोड्स के निर्माण के लिए और रोड्स को इम्प्रूव करने के लिए किया जाएगा। इनमें से किस IIT संस्थान ने सौर ऊर्जा के लिए परवलयाकार गर्त कलेक्टर विकसित किया है? यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, इसका शेप पैराबोलिक है, इसकी लागत भी काफ़ी कम है और यह हल्का भी है, और इसकी इस पैराबोलिक शेप के कारण इसकी इफ़िशेंसी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इसको बनाया है IIT मद्रास ने। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और आप जानते होंगे कि NIRF रैंकिंग के हिसाब से ये भारत का सबसे बेस्ट संस्थान है। बिरसा हरित ग्राम योजना, इसको किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो आई होप आपने इसका राइट आंसर किया होगा। आंसर होगा झारखंड। तो झारखंड की सरकार ने सिर्फ यही नहीं बल्कि कुल 3 योजनाएं हाल ही में शुरू करी हैं। एक तो यह है बिरसा हरित ग्राम योजना। इस योजना के तहत सड़क के दोनों ओर फलदार पौधे लगाए जाएंगे और इसके तहत 5 लाख परिवारों को 100-100 पौधे दिए जाएंगे, ठीक है। दूसरी योजना का नाम है नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना। जैसा कि इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं, इसके तहत पानी को स्टोर करने के लिए जल भंडारण इकाइयाँ बनाई जाएंगी जिनका इस्तेमाल खेती के लिए किया जाएगा। और तीसरी योजना का नाम है वीर शहीद पोतोहो खेल विकास योजना। इसमें क्या है कि राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल के मैदान विकसित किए जाएंगे, खेल के मैदान बनाए जाएंगे। इस योजना के तहत पूरे झारखंड में लगभग 5,000 खेल के मैदान स्थापित करने की योजना है। तो इन तीनों योजनाओं का नाम आपको याद रखना है, इनको झारखंड की सरकार ने शुरू किया है। हमारा जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि सीमा सड़क संगठन, इसने हाल ही में 440 मीटर लंबी एक चंबा सुरंग का निर्माण किया है। आपको बताना है कि इसका उद्घाटन किसने किया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो चंबा सुरंग है, इसको चारधाम परियोजना के तहत उत्तराखंड के चंबा शहर में बनाया गया है और इसीलिए इसका नाम है चंबा सुरंग। तो इसका उद्घाटन किया है भारत के जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी ने। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मई 2020 में इनमें से किस बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया है? तो इसका आंसर होगा CKP सहकारी बैंक। ये मुंबई में है। तो इसकी अनस्टेबल फाइनेंशियल कंडीशन के चलते इसका लाइसेंस RBI ने रद्द कर दिया है। इसके अलावा भी RBI कई सारे कारणों से न्यूज़ में था, क्योंकि RBI ने भारत के जो वित्तीय संस्थान हैं NHB, SIDBI और NABARD, इनके लिए 50,000 करोड़ रुपये अनाउंस किए हैं। तो ये जो 50,000 करोड़ रुपये का कैपिटल सपोर्ट अनाउंस किया गया है, इनमें से 25,000 करोड़ NABARD को दिए जाएंगे, 15,000 करोड़ SIDBI को और 10,000 करोड़ नेशनल हाउसिंग बैंक को। तो ये आपको अलग अलग याद रखने, खासकर बैंकिंग के एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे ही RBI ने म्यूचुअल फंड्स को सपोर्ट करने के लिए 50,000 करोड़ रुपये का स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी शुरू की है। हाल ही में फ्लिपकार्ट ने आम के किसानों को समर्थन देने के लिए किस राज्य के आम विभाग के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि कर्नाटक। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि यहाँ पर बात हो रही है CBSE की, तो CBSE का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है? आप जानते हैं अभी तक CBSE की अध्यक्ष थी अनीता करवाल, लेकिन अब बनाया गया है मनोज आहूजा जी को। यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर आप सभी जानते हैं, आंसर है 11 मई। और इस बार के नेशनल टेक्नोलॉजी डे के अवसर पर हमारा जो टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट बोर्ड है और कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इन दोनों ने मिलकर एक सम्मेलन आयोजित किया था जिसका नाम था रीस्टार्ट सम्मेलन। इसका फुल फॉर्म है रीबूटिंग द इकोनॉमी थ्रू साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ट्रांसलेशंस। तो ये जो सम्मेलन था, ये साइंस और टेक्नोलॉजी के जरिए
भारत की अर्थव्यवस्था को रिबूट करने पर फोकस करते हुए आयोजित किया गया था। इसी के साथ आइए देखते हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट डेज बच गए थे। सबसे पहले 16 मई को मनाया गया राष्ट्रीय डेंगू दिवस। डेंगू आपको पता होगा एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है, तो इस बार इसकी थीम थी इफेक्टिव कम्युनिटी एंगेजमेंट की टू डेंगू कंट्रोल। इसके बाद 17 मई को दो इंपॉर्टेंट डेज मनाए गए, विश्व दूरसंचार दिवस और विश्व उच्च रक्तचाप दिवस यानी कि वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। इसकी इस बार थीम है मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट एंड लिव लॉन्गर। इसके जस्ट बाद 18 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस यानी कि इंटरनेशनल म्यूजियम डे, और इस बार के अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की थीम है म्यूजियम्स फॉर इक्वालिटी डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। हाल ही में एक म्यूजियम न्यूज़ में था, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। इसका नाम है हागिया सोफिया म्यूजियम, तो इसको अभी मस्जिद में तब्दील कर दिया गया है। आपको ये बताना है कि ये कौन से देश में है, ठीक है। 21 मई को मनाया गया राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस यानी कि एंटी टेररिज्म डे। इसी दिन 1991 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की गई थी। और 21 मई को ही मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है ये पिछले साल तक 15 दिसंबर को मनाया जाता था, लेकिन भारत के कहने पर अब इसको 21 मई को कर दिया गया है, तो 21 मई को ये पहली बार मनाया गया है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इसके बाद 22 मई को मनाया गया विश्व जैव विविधता दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसकी थीम है आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर, यानी कि हमारी सभी समस्याओं का हल नेचर में है। फिर मई के बिल्कुल आखिर में यानी कि 31 मई को मनाया गया तंबाकू निषेध दिवस यानी कि वर्ल्ड नो टोबैको डे। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इस बार के वर्ल्ड नो टोबैको डे पर WHO ने भारत के एक NGO को वर्ल्ड नो टोबैको डे पुरस्कार दिया है जिसका नाम है सीड्स। तो यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट डेज कवर हो गए हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस बॉलीवुड एक्टर ने अपना खुद का एक पर्सनल केयर ब्रांड शुरू किया है जिसका नाम रखा है फ्रेश, और इसकी स्पेलिंग है FRSH। तो इसको शुरू किया है सलमान खान ने, सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आप जानते हैं बजट में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अनाउंस की गई थी, तो आपको बताना है कि इसके अंतर्गत कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत अगले 5 सालों में भारत के फिशरी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए लगभग 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एग्जैक्टली 20,050 करोड़ रुपए। तो इसके तहत लक्ष्य रखा गया है कि 2024-25 तक भारत में मछली उत्पादन 220 लाख मेट्रिक टन किया जाएगा। 36वें राष्ट्रीय खेल, जो कि आप जानते हैं COVID-19 के चलते इनको स्थगित कर दिया गया है, आपको बताना है कि इसका आयोजन कहां पर किया जाना है। इसका आयोजन किया जाना है गोवा में, और यहां पर आप ये जो पिक्चर में देख रहे हैं इसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। ये इसका शुभंकर भी है और ये गोवा का राष्ट्रीय पक्षी भी है। भारत की किस कंपनी ने नीदरलैंड की इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनी का अधिग्रहण कर लिया है जिसका नाम है एटरगो। तो ये जो एटरगो नाम की इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनी है ये नीदरलैंड की है और इसको भारत की ओला इलेक्ट्रिक ने खरीद लिया है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बेसिकली ओला इलेक्ट्रिक ने अनाउंस किया है कि ये 2021 से इलेक्ट्रिक टू व्हीलर लॉन्च करेंगे, तो उसी के लिए इसका अधिग्रहण किया गया है। ऐसे ही भारत की जो TVS मोटर्स है इसने ब्रिटेन की एक स्पोर्ट बाइक कंपनी का अधिग्रहण किया है जिसका नाम है नॉर्टन। तो ये दोनों ही आपको याद रखने हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को इनमें से किस देश में 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि वियतनाम। यहाँ की राजधानी है हनोई और यहाँ की करेंसी है डोंग। अब यहाँ पर मैं आपको भारत के उन प्लेयर्स के बारे में बताऊँगा जिनकी मई 2020 में डेथ हो गई है। तो भारत के पूर्व हॉकी प्लेयर बलवीर सिंह दोसांझ की हाल ही में डेथ हो गई, ये कौन से राज्य से थे। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि पंजाब। हॉकी में इनके योगदान के लिए 1957 में इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। ऐसे ही भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान चुन्नी गोस्वामी की भी हाल ही में डेथ हो गई, यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं। 1962 में जो एशियन गेम्स हुए थे उसमें भारत की फुटबॉल टीम ने गोल्ड मेडल जीता था, तो उस टीम के एक कप्तान थे।
आपको बता दूं कि ये फुटबॉलर के अलावा ये एक अच्छे क्रिकेटर भी थे। ऐसे ही भारत के राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियन मनमीत सिंह वालिया की भी डेथ हो गई है। NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित कौन सा चैटबॉट लॉन्च किया है, इसको आप NPCI की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। इसका नाम है पाई, PAI। तो इससे आप NPCI के जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि रुपे, UPI, फास्टैग, इन सब के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। और आपको पता होगा NPCI ने UPI पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए UPI चलेगा नाम का अभियान भी शुरू किया था। वैसे इस साल जितने भी इनिशिएटिव या फिर कैंपेन शुरू किए गए हैं उस पर एक अलग से वीडियो आएगी, उसको भी आप देख सकते हैं। भारत सरकार ने विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया था, तो इसका भी आंसर मैं आपको इसी वीडियो में बता चुका हूँ। आंसर होगा वंदे भारत मिशन। तो इसमें हवाई उड़ानों के जरिए भारतीय नागरिकों को वापस लाया गया। अब ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और खासकर जो डिफेंस के एग्जाम्स हैं उनमें तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा। दरअसल इंडियन आर्मी ने टूर ऑफ ड्यूटी पहल शुरू की है, जिसके तहत भारत के आम नागरिक भी भारतीय सेना में सेवा दे सकते हैं। तो आपको ये बताना है कि इस टूर ऑफ ड्यूटी पहल के तहत देश के आम नागरिकों को कितने साल सेना में सर्विस करने का मौका मिल सकेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3 साल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? आप जानते हैं कि 2 साल के बाद सानिया मिर्जा ने फिर से वापसी की है और अभी इन्होंने फेड कप हार्ट अवार्ड जीत लिया है। सो आंसर होगा ऑप्शन बी। आप जानते हैं भारत का जो सरकारी ई कॉमर्स पोर्टल है इसका नाम है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी कि GEM। तो आपको ये बताना है कि इस पर किस मंत्रालय ने द सरस कलेक्शन नाम से डैशबोर्ड शुरू किया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो द सरस कलेक्शन नाम का डैशबोर्ड शुरू किया गया है इस पर भारत के जो ग्रामीण स्वयं सहायता समूह हैं उनके द्वारा बनाई गई चीज़ों को दिखाया जाएगा। तो इसी से आप समझ गए होंगे इसको शुरू किया है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने, जिसके मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार ने हाल ही में 2 पोर्टल शुरू किए हैं। एक का नाम है गरुड़ पोर्टल और दूसरे का नाम है चैंपियंस पोर्टल। तो गरुड़ पोर्टल जो है इसको शुरू किया है भारत के नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने यानी कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने। तो इस पोर्टल के जरिए जो भी संस्थान COVID-19 महामारी के इस दौर में ड्रोन संचालित करना चाहते हैं उनको सरकार से इसके जरिए छूट दी जाएगी। और इसके अलावा जो दूसरा पोर्टल है चैंपियंस पोर्टल, इसको लॉन्च किया है भारत के MSME मंत्रालय ने, भारत के जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग हैं उनकी सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए ये चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसके बाद ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में अक्सर पूछे आते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं 7 मई को रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जयंती होती है, तो इस साल इनके 159वीं वर्षगांठ मनाई गई जन्मदिवस की। तो आपको बताना है कि इस अवसर पर किस देश की एक सड़क का नाम टैगोर स्ट्रीट कर दिया गया। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के सम्मान में इसराइल की एक सड़क का नाम टैगोर स्ट्रीट कर दिया गया है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और इसराइल के जिस शहर में सड़क है उसका नाम है तेल अवीव, ये भी आपको याद रखना है। फीफा ने स्वास्थ्यकर्मियों को सम्मानित करने के लिए इनमें से कौन सा अभियान शुरू किया था? तो इस अभियान का नाम है #WeWillWin। 12 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कितनी धनराशि के विशेष आर्थिक पैकेज की अनाउंसमेंट की थी? इसका आंसर आप सभी जानते ही हैं, आंसर होगा 20 लाख करोड़ रुपए, और इसी को नाम दिया गया है आत्मनिर्भर भारत अभियान। पाकिस्तानी वायुसेना में पायलट के रूप में अपॉइंट होने वाले पहले हिंदू व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये पहले हिंदू व्यक्ति हैं जिनको पाकिस्तानी वायुसेना में पायलट के रूप में अपॉइंट किया गया है। इनका नाम है राहुल देव। गूगल पे इंडिया का नया सलाहकार किसको बनाया गया है? गूगल पे इंडिया के नए सलाहकार बनी हैं शिखा शर्मा, जो कि आप जानते हैं एक्सिस बैंक की पूर्व CEO रह चुकी हैं। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यानी कि वाडा, हाल ही में वाडा ने भारत की किस महिला एथलीट को 4 साल के लिए बैन कर दिया है? तो इनका नाम है किरणजीत कौर। इनके अलावा भी कई सारे लोगों को बैन किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वाडा ने भारत के डिस्कस थ्रोअर संदीप कुमारी को बैन किया है 4 साल के लिए। ऐसे ही भारत की जो राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी है नाडा, इसने भारत के 2 पावर लिफ्टर को बैन किया है, एक तो सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया। ऐसे ही टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट ने मिस्र के एक टेनिस खिलाड़ी को हमेशा हमेशा के लिए बैन कर दिया है,
यानी कि इन पर आजीवन बैन लगाया गया है। इनका नाम है यूसुफ होसम। नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर जो कि आप जानते हैं नई दिल्ली में है, तो इसके हिसाब से जो भारत सरकार की ऐप है आरोग्य सेतु, इस पर जो डेटा इकट्ठा किया जा रहा है इसको अधिकतम कितने दिनों तक रखा जा सकता है। तो आरोग्य सेतु ऐप पर जो डेटा इकट्ठा किया जा रहा है इसको मैक्सिमम 180 दिनों तक ही रखा जा सकता है। सो आंसर होगा ऑप्शन डी। इनमें से किस कंपनी ने एक होम टू होम फंड रेजर कंसर्ट शुरू किया है जिसका नाम है आई फॉर इंडिया। तो ये जो आई फॉर इंडिया नाम का कंसर्ट शुरू किया गया है ये तीन चीज़ों के लिए शुरू किया गया है। एक तो हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको सम्मानित करने के लिए, दूसरा फंड इकट्ठा करने के लिए, और लोगों को एंटरटेन करने के लिए। तो आई फॉर इंडिया नाम का जो फंड रेजर कंसर्ट है इसको फेसबुक ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, किस भारतीय को अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस में अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में चुना गया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये जो अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज है इसमें एक समय चार्ल्स डार्विन और अल्बर्ट आइंस्टाइन को भी जगह मिली थी। तो इसमें हाल ही में जिन भारतीय को शामिल किया गया है यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं, इनका नाम है शोभना नरसिम्हन। किस संस्थान ने स्वास्थ्य वायु नाम का एक नॉन इन्वेसिव बीपैप वेंटिलेटर विकसित किया है? यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं और आपको बता दूं कि इसको इस्तेमाल करने के लिए किसी स्पेशल नर्सिंग की ज़रूरत भी नहीं है। तो इसको एक CSIR की लैब में बनाया गया है जिसको बोलते हैं नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें ये पूछ रहे हैं कि किस संस्थान ने COVID-19 के लिए एलिसा आधारित पहली स्वदेशी एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित की है? तो इसको बनाया है राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान यानी कि NVI जो कि पुणे में है, और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च दोनों ने संयुक्त रूप से इसको विकसित किया है। इस डिटेक्शन किट का नाम रखा गया है कोविड कवच एलिसा। तो इसको बेसिकली एक समय में ही काफ़ी बड़ी संख्या में सैंपल्स की स्क्रीनिंग करने के लिए डिजाइन किया गया है। इनमें से कौन सा देश आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए आर्कटिका एम नाम का अपना पहला उपग्रह लॉन्च करेगा? तो जैसा कि इसके नाम से आप समझ सकते हैं इसको आर्कटिक क्षेत्र में मौसम पूर्वानुमान के लिए लॉन्च किया जाएगा। तो इसको लॉन्च करेगा रूस और इसे इसी साल के आखिर तक लॉन्च किया जाएगा। यहाँ पर मैं आपको एक ज़रूरी बात बता दूँ कि जम्मू कश्मीर में यह जो गिलगित बल्टिस्तान वाला इलाका है और यहाँ पर जो मुजफ्फराबाद है, इन दोनों ही रीजन्स को हमारा जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जिसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, इसने इन दोनों ही रीजन को जम्मू एंड कश्मीर मेट्रोलॉजिकल सब डिवीज़न का हिस्सा बना लिया है। तो इससे क्या है कि अब हमारे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इन दोनों ही रीजन्स के लिए मौसम पूर्वानुमान जारी करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर हमारे मई महीने के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। अब यहाँ पर मैं आपसे तीन क्वेश्चन पूछूंगा इसी वीडियो से जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक अच्छी खबर बताता हूँ। रामायण बिकम्स मोस्ट व्यूड एंटरटेनमेंट प्रोग्राम ग्लोबली, यानी कि पूरी दुनिया में ये सबसे ज़्यादा देखा गया एंटरटेनमेंट शो है। तो इसको एक दिन के अंदर 7.7 करोड़ लोगों ने देखा। ये बात हो रही है 16 अप्रैल की, तो 16 अप्रैल को 77 मिलियन लोगों ने इसको देखा जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो अब क्वेश्चंस आपके लिए शुरू होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशंस में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? दूसरा क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य की सोहराय और खोवर आर्ट को GI टैग दिया गया है? और लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को किस देश में 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है? तो आई होप आपने इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखा होगा, और अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो डेफिनेटली आप इन तीनों क्वेश्चंस का राइट आंसर कर पाएंगे। ये तीन क्वेश्चंस क्या, इस वीडियो में किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप इजीली कर पाएंगे। और अगर आपने इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखा है तो मई महीने की करंट अफेयर्स को लेकर आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो इसी में से आपको देखने को मिलेंगे। बस आपको इस वीडियो को 2 से 3 बार रिवाइज़ करना है, और जब भी आपका एग्ज़ाम आए उससे एक हफ्ते पहले से ही आपको पिछले 6 महीनों के करंट अफेयर्स रिवाइज़ करना शुरू कर देना है। इससे आप अपने एग्जाम में करंट अफेयर्स सेक्शन में बेहतर कर पाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद पूरे जून महीने की करंट अफेयर्स बहुत ही जल्द आने वाली है।